ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नज़ा आलम और आप देख रहे हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर से क्लासिकल मौसीकी का प्रोग्राम आहंग खुसरो। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, उनका ताल्लुक मौसीकी के पटियाला घराने से है। उस्ताद हामिद अली खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्क के मायानास क्लासिकल सिंगर हैं। लाइट क्लासिकल, काफी, ठुमरी और गजल गाने में भी बेपनाह महारत रखते हैं। पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा करके दाद मौसूल कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी मौसीकी के मैदान में आला खिदमात के पेश नज़र 1997 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा और 2008 में इन्हें सितारे इम्तियाज का एजाज अता किया। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे मिजाज है? खान साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आज के इस पॉडकास्ट में तशरीफ लाए और हमारे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि आप जैसा फनकार हमारे दरमियान मौजूद है। खान साहब, आपने एक ऐसे घराने में आपकी पैदाइश हुई जहाँ बच्चा पैदा होता है तो लफ्ज़ को बाद में सीखता है और सुर पहले सुरों से आशना हो जाता है, तो इस तरह मुझे लगता है कि आपकी तो पूरी शख्सियत सुरों में डूबी हुई है। हाँ जी, सही। छोटी उम्र में हमारे तो घर का काम था ना जी, तो छोटी उम्र से सुनना शुरू किया, फिर सीखना शुरू। आपने मौसीकी की तरबियत किससे हासिल की? मैंने अपने वालिद साहब से, उस्ताद अख्तर हुसैन साहब। बहुत बड़ा नाम है मौसीकी में, अख्तर हुसैन साहब, और आपने उनसे सीखा। आपके जो दो बड़े भाई पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े क्लासिकल फनकार थे, अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, उन्होंने भी आपके वालिद साहब से ही क्लासिकल सीखा। तो कुछ थोड़ा सा आप अपने घराने का, पटियाला घराने के बारे में हमारे नाज़रीन के लिए बताइए, और ख़ास तौर पर अपने दादा जनरल साहब और कर्नल साहब, उनके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइए। जनरल साहब जो थे वो मेरे दादा थे जी, और वैसे तो हमारे घराने में काफी देर से चला आ रहा है, लेकिन जब मेरे परदादा मियां कालू जी, उनसे पटियाले घराने का सिलसिला शुरू हो गया था, उन्होंने फिर तैयार किया मेरे दादा जनरल अली बख्श खां और कर्नल फतेह अली खां साहब को, जो उस्ताद आज के लिए वाले थे, इनकी दोनों की जोड़ी बनाई। वो आपके दादा के दोस्त थे? हाँ जी, वो दोस्त रिश्तेदार भी थे जी, दोस्त, और बचपन से छोटी उम्र से दोस्त थे। फिर मैं आज मेरी सारी बात फिर मैं बताता हूँ ये सिलसिला है क्या। मेरे दादा को मेरे परदादा मियाँ कालू जी ने छोटी उम्र से हमारे घराने में 6-8 साल की उम्र में शुरू करवा देते थे, तो कहा के भी गाना सीखो। मेरे दादा ने एक शर्त रखी कि अबाजी मेरे परदादा को कहने लगे, मेरे दादा, मेरी एक शर्त है, फिर अगर आपने गाना सिखाना है तो क्या बेटा, क्या फतेह को सिखाएंगे तो मैं भी सीखूंगा, मुझे तो मैं भी नहीं सीखूंगा। परदादा जी परेशान हुए, तुम तो मेरी उलाद हो, इसको मैं क्यों सिखाऊं? वो कहते जी फिर अगर फतेह को नहीं सिखाएंगे तो मैंने भी नहीं सीखना। अब वो मेरे परदादा जी घबराए कि बच्चा के बात ना जाए या जेन इसका बदलना चाहिए। वो कहते बेटा फिर इसको कहो कि मुझे लिख के दे कि पहले मेरी 7-10 कूड थी। अच्छा, वो छोटी उम्र में, मैं तो ये समझता हूँ ये ऐसे काम खुदा की तरफ से होते, मैं खुदा जानता है, मैं अपने दादा की बात नहीं करता, ये कुदरत की तरफ से ये सारा सिलसिला बना है। हर काम कुदरत की तरफ से होता है, लेकिन कुछ खास चीजें भी होती जिनमें कि अब देखिए उन्होंने शर्त रखी कि मेरे परदादा को कहा, उनका नाम मियाँ कालू जी था, मैं तब सीखूंगा अगर इसको भी साथ सिखाएंगे तो। खैर उनको फिर, खैर बड़ी बहुत बात तो बहुत लंबी, लेकिन उनको फिर घंटा बांधा
पसे लिखा था। फिर दोनों को शुरू किया, फिर ऐसी जोड़ी बनी कि उन्होंने पटियाला घराने को उठा के ले गए। फिर वो हालांकि हमारे घराने में गाना कम से कम मेरे तो ख्याल है 300-400 साल से है जी, बिल्कुल। उनके पूरे नाम है शजरे में, आपके रेडियो में इधर नीचे उनके पूरे नाम लिखे हुए, कि मियाँ कालू जी का वालिद जस्से खां, फिर अल्लाह जिता खान, ऐसे के नाम काफ़ी हैं। लेकिन वो इस वक्त मैं गुनाह को टाइम बहुत कम है, तो मतलब ये नहीं कि हाँ जनैल साहब और फतेह अली खान के और मेरे परदादा मियाँ का इन्होंने पटियाले घराने को उठाया, बहुत नाम गायक पहले से थे, क्लासिकली गायक थे वो भी, अपने अपने दौर में उनका नाम था, लेकिन वो जो इसको फैलाना बहुत ज़्यादा वो इनकी वजह से, वो ये फाउंडर बन गए थे पटियाला घराने के, मेरे दादा और मियाँ कालू जी मेरे परदादा। वो ये ऐसे हुआ था। अब कुछ लोग ये हमें कहते हैं जी कि जी वो फतेह अली खान आपके साथ खोली रिश्तेदारी, मैंने फिर जवाब दिया, मैंने कहा जी हम उनको इज्जत देते हैं कि मेरे वो जैसे मेरे जजैल सब दादा थे, वो भी मेरे दादा थे, जैसे आपके दादा दादा थे, अगर आपको ये नहीं गवारा तो फिर हम उनको शागिर्द कहेंगे, ये ठीक है ये वो ठीक है, जाहिर इज्जत दादा कहें या फिर शागिर्द कहें, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे इसलिए हम उनको अपने दादा कहें। रिश्तेदारी तो सॉरी आपकी मैं बात को मैं वो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल कर रही हैं आप, ये देखो खुद रिश्तेदारी तो ये बिल्कुल कि खुद जलाल मैंने उनको कल्याण बुलवा दिया साथ, तो सगे भाई को ऐसे क्या करना जो पानी पीना पी लेते खुद रिश्तेदारी उसको क्या करना है, रिश्तेदारी तो ये सिलसिला चलता है। अब देखें कोई शागिर्द होगा अमानत अली फतेह अली का तो लोग यही नाम देंगे मंत्री फतेह, ये क्या जी ये फतेह यहाँ पेश करते ये मंत्री यहाँ पेश करते, ऐसा तो नहीं होता। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, उनकी जोड़ी थी, जोड़ी का नाम उस्ताद बड़े गुलाम यहाँ के वालिद जिनका नाम अली बख्श कुतुरी कहते थे उनको, और उनके भाई कारे खां, ये दोनों मेरे दादा के और कदर फतेह हैं, दोनों के शागिर्द थे जी बिल्कुल, आपके घराने के शागिर्द हैं इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद फिर उस्ताद बड़े गुलाम यहाँ की जो शागिर्दी हुई है वो उस्ताद आजकली खान मेरे वाले साहब दोनों से झंडा बनवाया, ये सब लोगों को पता है इस बात का, किताबों में है जिक्र, मतलब कि ये देखे हमें हम उसको मैं उस्ताद बड़े गुलाम यहाँ उनको बहुत बड़ा रुतबा देता हूँ, बहुत बड़े गायक थे, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, लाजवाब गाय थे, लेकिन हमें फख्र तो हम कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए कि उनका आपसे क्या ताल्लुक बनता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर ये बताइए कि आपके जो बड़े भाई थे वो मुझे लगता है कि आप में और उनमें एज डिफरेंस काफी है, क्योंकि आप छोटे थे जब शुरू में 50s में 60s में यानी 60s में अमानत अली खान साहब और फतेह अली खान साहब का क्लासिकल मौसीकी में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था, तो उस वक्त जब आप छोटे थे तो उनको देख के ख्याल आता था कि मैं भी किसी दिन इस लेवल का इस पाए का गुलकार बनूंगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल कर रही हैं, क्योंकि छोटी उम्र से देखते आ रहे थे उनको, देखा सुना सीखा भी उनसे, फिर उनको देख सुनना घर में उनका लिहाज सुनना देखना तो सीखना ही होता है, वो भी उन्होंने सिखाया, उन्होंने भी मुझे सिखाया, मेरे भाई हैं बड़े हुए मेरे बाप की जगह हैं दोनों, तो वो है कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इतने बड़े नाम का मैं भाई था वहां तक कैसे पहुंच। हाँ लेकिन ये मेरी माँ की दुआ थी और मेरे बाप की मेहनत थी माशाल्लाह, कि जिससे फिर मैं मेरे अगर अमानत अली फतेह अली मेरे भाइयों का नाम है तो अल्लाह ने मेरा भी किया, आपका भी उतना ही नाम नहीं सर, नाम के काम की वजह से है, सिर्फ नाम नहीं, नाम भी मैं भाई हूं, मैंने आपने उस लेवल का गाना गा के वो मुकाम आज भी अल्लाह की बड़ी करुणा है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक आम ख्याल पाया जाता है लोगों में वो ये है कि जो घरानों के गायक हैं वो अपनी औलाद को तो गाने के गुर
और असल रंग सिखाते हैं, लेकिन कोई अताई या शौकिया गुलकार उनके पास आए तो वो उस लेवल का गाना उनको नहीं सिखाते। नहीं नहीं ऐसी ये बात है, ये मुझे बार बार सवाल होता है, ऐसी बात नहीं देखेंगे ये जो बल्कि ये उल्ट बात है, ये जो हमारे फील्ड के लोग हैं ना, जरा उनसे हम घबराते हैं। अच्छा, अताइयों को या जो शौकिया है लोग उनको सिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख के हमारे सामने नहीं आना होता। ये जो फील्ड के लोग होते हैं ना, ये इनसे खतरा होता है कि ये किसी वक्त बदतमीज भी हो सकते हैं, तो इन लोगों को नहीं सिखाते। लेकिन इनको भी तब सिखाते हैं कि उनकी नीयत अच्छी हो, देखते हैं कि किस नीयत का है, इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, तो उनको भी सिखाते हैं। उस्ताद बड़े आदमी को, उसके खानदान को, अली बरों को उन्होंने सिखा नहीं, सिखाइए ना। यह सर ऐसा है कि आप लोगों को ये एहसास होता है जो घरानों के गायक हैं कि आपके घराने का इतना बड़ा नाम है, तो एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अजी एक वजन है, बहुत बड़ा वजन है। देखिए मैं बचपन में बोझ समझता था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने इनका बदल मैं कैसे उठाऊंगा। लेकिन वो उस लगन में फिर मैंने पहले तो वालिद साहब ने सख्ती से कहा, फिर मैंने खुद मेहनत की, जब इसका शौर आया कि नहीं ये तो बहुत बड़ा काम है और हमारे खानदान का बहुत नाम है, बड़ा वजन है, मैंने इसको उठाना है, और अल्लाह की मेहरबानी से उठाया। बहुत खूब खासा, बहुत ही खूबसूरत गजल थी, लुत्फ आ गया सुन के, और अल्लाह ताला आपको और भी तरक्की दे। आप अपनी गजलों की मौसीकी खुद बनाते हैं? हाँ जी, मैं ज्यादातर अभी जो सुनाई मैंने जॉनी ले की गजल, ये मेरी अपनी कोशिश। अच्छा, ये बताइए, औरों की भी गाते हैं? औरों की भी गाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी। आपके जो भाई थे अपना अमानत अली खान साहब, उनकी गाई हुई गजल, हालांकि वो क्लासिकल सिंगर थे, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे, उनकी गाई हुई गजलें बहुत मकबूल थी। क्या बात। और अख्तर हुसैन अखिया साहब ने बड़ी बड़ी खूबसूरत कंपोजिशंस उनके लिए बनाए। हाँ जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा मौसीकार जो है उसका क्या रोल होता है मौसीकी में, कितना उसका बहुत हाथ होता है? देखिए, धुन अच्छी बनी होगी तो अच्छी गाई जाएगी ना। जी। अगर ध्वनि की शक्ल ही नहीं अच्छी तो गाने में ठीक है, गाने वाला कमाल तो करता है, लेकिन धुन अगर अच्छी हो तो वो जरा दिल से और लगन से गाता है। आपको महसूस होता है कि जैसे बड़े मौसीकार पहले दौर में गुजरे हैं, आजकल वैसे कंपोजिशन आज कम हो गए, बहुत कम, बहुत चंद लोग रह गए जिनमें जहाज साहब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और वैसे पहले बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा तो उस्ताद नजर से बख्शी वजीर, वजीर अफजल साहब, वजात अतरे, मैंने सबके साथ काम किया है। मैंने तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया नजर से जवाब दिया। सर आपकी एक गजल जो हमारे सब लोगों को बहुत पसंद आई, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग उसकी उसको सुनना पसंद करते हैं, और उदास लोगों से प्यार करना, तो आपने उसके कंपोजिशन बहुत बड़ी मेहरबानी। ये पता है क्या बात क्या है, देखिए हालांकि मैंने ये उसका पूरा वॉल्यूम गाया हुआ है, सारी गजलें मेरी निर्मल दुरानी जी। हाँ, तो लेकिन अब कुछ हम नहीं कह सकते कि कौन सी चीज अब आपको अच्छी लगती है। सफेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, कोई तो सीखे।
सफेद लम्हों में रंग भरना, कोई तो सीखे उदास लोगों से प्यार करना, कोई तो सीखे, कोई तो सीखे। होता है ना कि एक चीज जो लोगों में बस सुपरहिट हो जाए, लोगों को पसंद आ जाए, तो वो फिर पहचान बन जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही देखिए मैं कंपोजिशन करता हूँ, खुद भी करता हूँ मैं, और उनकी भी, मैं दूसरों की बल्कि ज्यादा बने की खुश होता हूँ। अपनी तो मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत, मैं बचपन से मुझे मैं लगाव था कि मैं बना, ये गुजर गया जो जमाना उसे बुला रही हूँ, मेरी अपनी ये पहली गजल मैंने ये बनाई थी। अच्छा, खुद आपने बहुत मशहूर हुई थी, बहुत मशहूर थी सर, बहुत सी गजलें, किस किस का जिक्र करें, तमाम गजलें ही बहुत मशहूर। इत्तेफाक से आजकल एक इस्तेलाह शायद हमारे पड़ोसी मुल्क में ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो है सूफी सॉन्ग्स या सूफी, तो गाना जो है ये मौसीकी की कोई सिंफ नहीं है कि सूफी म्यूजिक, सूफी म्यूजिक कोई सिंफ नहीं है, तो शायरी की वजह से ना, कि कलाम तो सूफियाना हो सकता है लेकिन म्यूजिक सूफियाना नहीं होता। हाँ, कव्वाली की हद तक हम कह सकते हैं कि कव्वाली में जितना भी कलाम होता है वो सूफियाना ही होता है, और मुस्लिम माशरे में बड़ी इसकी मजबूत एक रिवायत है कव्वाली की। तो आजकल बहुत से लोग कलाम गाते हैं सूफिया शोरा का, आपने भी गाया।
जरूर।